हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए भरवा परवल की रेसिपी लाई हूँ। भरवा परवल बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम परवल लिया है। ये देखिए दोस्तों, हम इसे साइड साइड कट कर लेंगे और इसके स्किन को चाकू से रिमूव कर लेंगे। ये चम्मच से भी रिमूव इजीली हो जाता है। इस तरह से हम रिमूव कर लेंगे और इसे इस तरह से बीच में कट कर लेंगे और चम्मच से या फिर चाकू से ही इसके बीच वाले पार्ट को हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम इस सभी परवल को इसी तरह से कट करके इसके बीज को रिमूव कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम एक बर्तन लेंगे और उसमें 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे। अब गैस ऑन करेंगे और इसी में हम अपने सारे परवल को बॉईल कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। ताकि हमारे परवल अच्छे से पक जाए। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। अब हम हमारे परवल के बीज को ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में डाल के। ये देखिए दोस्तों, हमने बीज को ग्राइंड कर लिया। अब हम हमारे परवल को चेक कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा परवल बॉईल होकर 10 मिनट हो चुका है। अब हम इसे एक चाकू से इस तरह चेक कर लेंगे। परवल अच्छे से पक गया है। अब हम इस टाइम पे गैस बंद कर देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और गैस ऑन करेंगे और इसे गर्म होने देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है। अब हम इसे में कुकिंग ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पे सरसों का तेल डाल रही हूँ। आपको आपके पास जो भी तेल अवेलेबल हो आप वो डालिए। तेल हमारा गरम हो गया है। हम इसमें हाफ चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरा हमारा पक गया है दोस्तों। अब हम इसमें 3 मीडियम कटे हुए प्याज डालेंगे। ये 3 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज है। इसे हम इसी तरह कट करेंगे, हमें इसमें बारीक कट करके डालने नहीं है। इसमें हम 2 कटे हुए हरे मिर्च ऐड करेंगे। और इसे भून लेंगे।
इस टाइम पे दोस्तों हमें गैस का फ्लेम हाई ही रखना है। ये देखिए दोस्तों हमारे प्याज में कलर आना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पे हम इसमें 2 चम्मच फूली हुई चने की दाल ऐड करेंगे। आप इसमें चने की दाल स्किप भी कर सकते हैं, पर आप इसमें चने की दाल डाल करके जब आप भरुआ परवल बनाएंगे तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। ये देखिए दोस्तों हमारे प्याज भुन गए हैं। अब इस टाइम में हम इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मसाले भुन गए हैं, अब हम इसमें ये परवल के पिसे हुए बीज को ऐड करेंगे। और इस टाइम पे हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम घर के मसाले ही ऐड करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर और हम इसमें 1 चम्मच पोस्तुदाना ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और लास्ट में स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। और अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा मसाला तेल भी छोड़ने लगा है। इसे हम इसी तरह मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट भून लेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर लाने के लिए हम इस 1/2 नींबू का जूस डालेंगे। आप इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको खट्टा पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा मसाला भून के तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमने मसाले को निकाल लिया है। अब हम इस मसाले को इस परवल में इस तरह से बीच में 1 चम्मच से फिल कर देंगे। ये देखिए दोस्तों इस तरह से।
दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगती हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है दोस्तों। आप इसे कभी भी अपने घरों में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये तैयार हो जाता है, तो आप इसे कभी भी अपने घर में बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा सारा परवल फील हो गया है। अब हम कढ़ाई लेंगे और गैस ऑन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा कढ़ाई गरम हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। और इस तेल को हम चारों तरफ अच्छी तरह से मिला, तो हम कम तेल में ही उसे सेलो फ्राई ही कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा तेल गरम हो गया। अब हम इसमें एक एक करके सारे परवल ऐड करेंगे। आप इसे हल्के हल्के हाथों से पलट करके चारों तरफ से सेक लीजिए। हम इसी तरह सभी परवल को सेक लेंगे। अगर आपके परवल अच्छी तरह से बॉईल ना हुए हो तो आप इस टाइम पे इसे ढक करके भी 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे सेक सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे भरुआ परवल अच्छी तरह सेलो फ्राई हो गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे भरुआ परवल की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। आप इसे धनिया पत्ते से गार्निश करके आप इसे खा सकते हैं।